हाँ ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. इन लास्ट चैप्टर वी हैव सीन अबाउट एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला मैंने सिखाया था. हम बोलते हैं R डैश X, जहां पे R स्टैंड्स फॉर योर एल्काइल ग्रुप. उसमें हमने दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स देखा है. फर्स्ट SN1, सेकेंड SN2. तो हमने ये भी देखा है बाय मॉलिक्यूलर किसको बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर किसको बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोला जाता है. फाइन, यहां तक हमने देखा. उसके बाद में SN1 मैकेनिज्म का हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए मैंने उस पे. तो वो जो पार्ट है यूनिट 1 का, वो एल्काइन हैलाइड्स का पार्ट खत्म हो जाता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज एराइल हैलाइड्स. तो एराइल हैलाइड्स का सिंबल है R-X. एराइल हैलाइड्स का सिंबल है R-X, वे R- स्टैंड्स फॉर एराइल ग्रुप. एराइल ग्रुप. नेहा, इज इट क्लियर नाउ, और बिफोर इट वाज मच मोर क्लियर? यू वांट द लाइट्स ऑन? दिख रहा है मैम। ठीक है मैम। अगर कुछ दिक्कत होगी तो किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा है तो बता दो मुझे, ठीक है? मैम नहीं दिख रहा वो साफ था। अभी दिख रहा है? मैम लाइट यस। ठीक है, फिर मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ. ओके? यस मैम। यस मैम। ओके। सुनो, एराइल ग्रुप. इस एराइल ग्रुप के बारे में आपको FY में पढ़ाया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आई विल बी टचिंग योर बेसिक्स राइट नाउ, सो दैट आई कैन मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग राइट इन दिस स्टैंडर्ड. एराइल ग्रुप बोला जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर को, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग की डिस्कवरी किसने की है? द साइंटिस्ट बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन इज केक्यूले. हिज नेम इज केक्यूले. अब ये साइंटिस्ट क्या है, ही वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट, एंड ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग कार्बन टू कार्बन स्ट्रक्चर्स. तो एक दिन वो वही ऐसे सोच रहा था, रिसर्च कुछ टॉपिक पे कर रहा था, सोच रहा था. उसका स्टोरी ऐसा है कि एक बार क्या हो गया, वो एक सोचते सोचते इतना फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसको कुछ स्टैंडर्ड डेटा नहीं मिल रहा था, उसके दिमाग में आइडिया फ्लैश नहीं हो रही थी. तो उसकी स्टोरी में क्या हो गया, वो जाकर एक दिन अपने गार्डन में बैठ गया, और गार्डन में बैठने के बाद जस्ट व्हेन ही वाज सिटिंग बिसाइड अंडरनीथ अ ट्री, ही लुक्ड अप, एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही कुड सी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. हनीकॉम्ब पता है, जहां पे बी हाइव मधुमक्खी बैठती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बी हाइव को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब, बारीकी से ऑब्जर्व किया. तब हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर उसने देखा कि वो इस फैशन में है. Yes. So, उसको आइडिया आई, अरे ये स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो फिर उसने जाके अपना लेबोरेटरी में थोड़ा सोच विचार किया, उसने थोड़ा और समझा कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो कैसे बनना चाहिए. देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अगेन, अगर आपका एल्काइल ग्रुप स्ट्रेट चेन है, ओके, and if those carbon atoms have to undergo cyclization, cyclization मतलब क्या, cyclic ring, ring formation को बोलते हैं cyclization. अगर इन carbon atoms को cyclize करना है तो वो खुद को align करेंगे इस तरह के form में, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, correct है? अब क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 4, हमेशा याद रखना कार्बन हैज 4 हैंड्स टू बी शेकन, वन दिस वे, सेकंड, थर्ड एंड डाउन फोर्थ.
चार हैंड्स है कार्बन के. सो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाइड नहीं है, तो कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? आप कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाओ. हर एक डबल बॉन्ड के बाद में एक सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड के बाद में एक डबल बॉन्ड होगा. डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स. क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, लेकिन फिर भी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो बचा हुआ एक हैंड जो है, जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन अगर मैं पिकअप करती हूँ, सो वन हैंड इज शेकिंग हियर, सेकंड हैंड इज शेकिंग हियर, थर्ड हैंड इज आल्सो शेकिंग हियर, तो द फोर्थ हैंड इज नॉट शेकिंग विद एनीवन. तो वो फोर्थ हैंड कार्बन का जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन. व्हाट इज इट? विजिबल नहीं हो रहा कुछ. नेहा योर वॉइस इज नॉट क्लियर. नेहा योर वॉइस इज नॉट क्लियर. दिख नहीं रहे हो मैम. ओके, इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरीवन एल्स? नो मैम. नो मैम. एवरीवन एल्स इज एबल टू यू इट? यस मैम. यस मैम. सो नेहा आई वुड सजेस्ट यू, आप क्या करो, एग्जिट करो और दोबारा से रिजॉइन करो मीटिंग को. ओके, सो नाउ दैट लास्ट हैंड इज शेकन बाय हाइड्रोजन, यानी कि ईच कार्बन विल बी शेकिंग अ हैंड विद हाइड्रोजन. तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन रिंग का क्या हुआ? बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन कितना, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो सिक्स कार्बन, हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो सिक्स हाइड्रोजन. तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सी सिक्स एच सिक्स. ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इन दो डिजिट्स में एक कॉमन डिविजिबल नंबर है, जैसे कि ये सिक्स, सिक्स इज कॉमन टू बोथ, तो डिवाइड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ कॉमन डिविजिबल नंबर. यहाँ पे सिक्स है, मैं स्ट्रेट अवे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड करती हूँ सिक्स से, सो सिक्स वन जा सिक्स, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा सी एच. क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? सी एच. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग. ये आपके बेसिक्स हैं, जो आपके बेसिक्स मैंने जो ब्रश अप कर दिए हैं, ये आपको एक्चुअली एफआई में पढ़ाया गया होगा लेकिन मैंने आपको ब्रश अप कर दिया है. अब आते हैं चैप्टर पे. तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं बताती हूँ. Once you complete this, I will tell you the question. What is the question? Question ये है कि हमने थोड़े ये last chapter में already देखा that alkyl halides can undergo nucleophilic substitution very very easily. Okay, तो nucleophilic substitution very very easily मतलब में क्या, SN1 जाता है और SN2 भी बहुत easily जाता है. लेकिन that is not the case with your aryl halides. Okay. Okay, she is getting disconnected. बार बार वो disconnect हो रही है. So as of now, Chandani? Yes, ma'am. Can you keep your video on? Is it possible for you, beta? Yes, ma'am. Yes, keep your video on. And you will be intimating me, okay? Right. Okay, so Chandani, I am visible to you. If anything goes wrong, you let me know. Okay, now let us understand the question. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, लास्ट चैप्टर में एल्काइल हैलाइड्स में मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेक्युलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलेक्युलर. एल्काइल हैलाइड्स बहुत इजीली अंडरगो करते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो दोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इजीली. तो उसका आंसर क्या है?
आंसर ये है दैट एक तो ये आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका एराइल ग्रुप है ARYL, और इसके सिर के ऊपर बैठा रहेगा आपका हैलोजन एराइल हैलाइड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के बन जाते हैं एराइल हैलाइड। अब इनका जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ज्यादा इंटरएक्टिव रहता है, यानी कि ऐसा ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स मतलब क्या, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग कैसे हो जाती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखते हैं हम लोग, तो ये जो कार्बन है यहाँ का बैठा हुआ, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो कार्बन है यहाँ पे बैठा होगा उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और बचा आपका जो हैलोजन जो पहले से ही वहां पे था, वो बोलता है अभी मैं डबल बॉन्ड की कोशिश करूंगा बनाने के लिए, डबल बॉन्ड की कोशिश करूंगा बनाने के लिए। तो आप तो जानते हैं इफ अ डबल बॉन्ड इज देयर देन द बॉन्ड इज शॉर्टर। शॉर्टर बॉन्ड मतलब क्या, इन दोनों के बीच में ज्यादा दोस्ती करीबी दोस्ती होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, डिस्टेंस बड़ा। ओके, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डिस्टेंस छोटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दैट इज द रीजन व्हाई दिस फेलो डज नॉट लेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू अंडरगो इजिली। तो अभी आप क्या करो, अभी आप यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है बेसिक्स में लिखो। मैंने आपको शुरू के फर्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल भी दिया था, तो फंक्शनल ग्रुप का टेबल में अगर आपके पास R-X एराइल हैलाइड नहीं लिखा है तो आप उस फंक्शनल ग्रुप में एराइल हैलाइड का फंक्शन ग्रुप डालो और यहाँ तक लिखो।